फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। और कहिए कैसे हैं आप, अपने हाल चाल जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ममा अर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम के बारे में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे साथ आ रही थी मेरे से कि आप अपने लिए डे क्रीम कौन सी यूज कर रहे हो या नाइट क्रीम कौन सी यूज कर रहे हो। तो मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूँ कि मैं कभी भी कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं रखती कि यही ब्रांड है और इसी का सब कुछ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम के अनुसार जैसे जैसे हमारी और जरूरतें जो हैं वो चेंज होती हैं, वैसे ही स्किन की जरूरतें जो हैं वो चेंज होती हैं। स्किन की डिमांड जो होती है टाइम के अनुसार अलग अलग होती है। तो समटाइम्स वो वेदर को, मौसम को मद्देनजर रख के हमें अपनी स्किन के लिए चीजें यूज करनी होती हैं। समटाइम्स हमारी स्किन पर्टिकुलर क्या डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग करनी होती है। तो जैसे आजकल मेरी स्किन के साथ क्या था कि आप जैसे जानते हो जो मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो प्लीज जो गाइज मेरे चैनल पे नए हैं वो जरूर देखें, सर्च करें हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स और जाके मेरे ब्लॉग्स भी जरूर देखें। तो ये एक बेसिकली ममा बच्चा एंजॉयबल चैनल है। तो मैं कुछ बीमारी से जूझ रही थी जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। स्पेशली मेरा ये जो एरिया है यहाँ पे जो है आपको हल्की हल्की, ये देखिए हल्की हल्की ये दिख रही है ना, छाइयाँ जो हैं वो आ गई थी और बहुत सारी अजीब सी चीज़ें जो होती हैं स्किन के साथ होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने अपने लिए अब स्किन क्रीम जो यूज़ की है वो है ममा अर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम है। मुझे इसे यूज़ करते हुए 1 वीक से ऊपर हो रहा है, 8-9 दिन हो गए हैं। तो आउटर पैकेजिंग तो मैंने फेंक दी थी। एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि पहले अगर मुझे खुद को अच्छी लगती है तो मैं आपके साथ ये क्रीम जो है वो शेयर करूंगी। तो ये ममा अर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम है विद मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी तो आप जानते हो जिस तरह से हमारी अंदर की इंटरनल इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, वैसे ही स्किन के लिए, हमारी ग्लोइंग दिखाने के लिए, स्किन के दाग धब्बे मिटाने के लिए, उसके लिए भी विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ जब भी आप अपने लिए प्रोडक्ट स्किन के यूज करें, चूज करें, तो सीरम है या क्रीम है तो उसमें विटामिन सी जरूर रखें। तो ये क्रीम मुझे 1 वीक हो गया, लास्ट मुझे सैटरडे ये मिली थी, तो आज है मंडे ट्यूसडे है शायद। तो मुझे काफी अच्छे जो है इसके रिजल्ट मिले हैं। मेरी ये वाली स्किन थी, ये देखिए जिस तरह यहाँ पे है बहुत डार्क डार्क जो है वो छाइयां सी हो गई थी, और यहाँ पे जो है ना छोटे 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 ये जैसे आपको थोड़ा सा पिंपल का निशान दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए थे। तो ये इन्हें बहुत हद तक इस क्रीम ने फेड आउट कर दिया है, बहुत ज्यादा जो है अब पहले की तरह जब मैं शीशा देखती थी ना, मिरर देखना, तो एकदम से यहाँ मेरा ध्यान जाना, ये ब्लैकिश सा हो गया था, वो ठीक हो गया है। तो इस क्रीम को मेरी तरफ से तो पूरे नंबर हैं और अभी मैं यूज करूंगी और आगे आगे आपके साथ, आप ब्लॉग्स में यार देख ही लोगे मेरी स्किन में चेंजेस आते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी इसका कैसे मेरे साथ ये है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इनका क्या ही कहना, इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पैराबिन फ्री होते हैं, इनमें कोई भी सल्फेट वगैरह, सिलिकॉन वगैरह कुछ नहीं होता, हमारी स्किन के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स ऑयल्स होते हैं, बायोएक्टिव्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये हर तरह की स्किन टाइप, चाहे वो ऑयली है, चाहे कॉम्बिनेशन है, चाहे ड्राई है, उसके लिए जाता है। जैसे ये मेरी स्किन ऑयली है तो सर्दियों में ठीक ठाक रहता है, मुझे ड्राइनेस जो है हमेशा इस साइड पे होती है सर्दियों में, बाकी कहीं पे नहीं होती। लेकिन मुझे मतलब अब अच्छा लगा, मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अलग से कोई मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्रीम, लव यू, तो ये क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई भी आपको अलग से मॉइस्चराइजर ऐसा कुछ, हरित्वी मुझे भुला गई मैं क्या बोल रही थी, ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ता कि लगे जी रूखी सूखी त्वचा हो रही है आपकी, और अनइवन स्किन टोन को जो है वो ठीक करता होता है ना, कि बस स्किन पे कहीं दाग पड़ गया, कहीं से काली हो गई, कहीं से व्हाइट हो रही है, अजीब सा हो जाता है, कहीं की धूप की वजह से अजीब से ब्राउन ब्राउन से वो हो जाते हैं स्पॉट्स, उनको दूर करने का ये दावा करती है, ये दावा करती है। और मैं बता रही हूँ कि मेरे ब्लेमिशेस तो इससे ठीक हुए हैं, आपके भी हो सकते हैं अगर मेरे हुए हैं। लेकिन बात ये होती है गाइस के ऊपर की सुंदरता पे तो ध्यान देना ही होता है, जो हमारी स्किन की डिमांड है वो ऊपर से तो हमें उसे नरिश करना ही करना है, अंदर से भी करना है। पानी का इंटेक ज्यादा रखें, नींद अच्छे से लें, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस फ्री रहें। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तभी आपके स्किन पे ग्लो आएगा, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं छोटा सा भी स्ट्रेस लूँ तो मेरा मुंह पिचकू सा बन जाता है। तो आपको वो चीजें जो है अपने ध्यान में रखनी है। डायरेक्शन फॉर यूज है, जैसे आप नॉर्मल यार अपनी क्रीम्स यूज करते हो वैसे मैं एक क्लिप आपके साथ ऐड कर दूंगी जैसे मैं लगाती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसे कुछ खास तरीके से लगाना है,
बहुत ही बढ़िया ये क्रीम है। प्रोडक्ट कंटेन्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, मे चेंज कलर एंड फ्रेग्रेंस विदाउट लूजिंग अफेक्टिवनेस। इसकी अफेक्टिवनेस को ये बिल्कुल लूज नहीं करेगा। इवन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कैन कोज एंड ट्रिगर एग्जिस्टिंग एलर्जीज। पैच टेस्ट जरूर कर लें। कोई भी आपको चीज नहीं यूज करनी है तो पैच टेस्ट जरूर करें। कान के पीछे यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, गर्दन पे लगा लो, हाथ पे लगा लो। मैं तो हमेशा यहाँ पे, यहाँ वाले एरिया पे पहले लगा के देखती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यूज ना करें। वैसे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मामा अर्थ के सारे आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत नेचुरल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम को जरूर यूज करें। अगर आपकी स्किन अनइवन टोन की है या ब्लेमिशेज है या कुछ भी है तो इसको जरूर यूज करें। मैंने पहले ही छोटी पैकेजिंग मंगाया था ताकि मुझे लगा कि अगर मुझे इफेक्टिव लगती है तभी मैं बड़ी पैकेजिंग जो है वो ऑर्डर करूंगी। और 449 रुपीज की है, 449 रुपए का ये है। और इसकी 2 साल की शेल्फ लाइफ है, 2022 तक। और छोटू सा प्रोडक्ट है यार। तो आप अगर स्किन के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो इस क्रीम को जरूर यूज करें, आपके लिए ये फायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, व्लॉग जरूर देखें, नीचे जाके प्लेलिस्ट वगैरह चेक करें। हर तरह का जो आपको वीडियो है, रेसिपी है, व्लॉग है, वो मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सत श्री अकाल।